नमस्कार। आज इस विशेष कार्यक्रम में फोकस यूनियन बजट पर। इसकी शुरुआत कब हुई, बजट शब्द के मायने क्या है, ये आया कहां से और 1860 में शुरुआत हुई इस यात्रा में पड़ाव क्या क्या रहे। बजट शब्द का अर्थ फ्रेंच भाषा में चमड़े का बैग है। 1860 में एक स्कॉट्समैन जेम्स विल्सन ने भारत का पहला वित्त बजट बनाया था। विल्सन ब्रिटिश भारत में वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग की परिषद में वित्त सदस्य के पद पर थे। विल्सन इंग्लैंड में संसद सदस्य, यूके ट्रेजरी के वित्त सचिव और व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष भी थे। पर बुनियादी सवाल यह है कि बजट यानी आम भाषा में कहें तो व्यवस्थित लेखे जोखे की जरूरत ब्रिटिश हुकूमत को आखिर पड़ी क्यों थी। पड़ताल शुरू करते हैं और हां, समय सीमित होने की वजह से इस स्पेशल रिपोर्ट में हमारी तवज्जो उन खास लम्हों और पहलों पर रहेगी जिनका असर राष्ट्र पर और भारतीय समाज पर दशकों बाद भी देखा जा सकता है। तो विल्सन 28 नवंबर 1859 को भारत पहुंचे थे। 1857 के गदर ने ब्रिटिश हुकूमत के संसाधनों पर गहरे घाव किए थे। खर्चे और बड़े कर्ज बेहिसाब बढ़ गए थे। विल्सन एक अर्थशास्त्री भी थे जिन्हें बाजार का गहरा ज्ञान था। ब्रिटिश हुकूमत में बैठे आला अफसरानों को उनमें वो व्यक्ति नजर आया जो उन्हें गंभीर वित्तीय स्थिति से उबार सकता था। 7 अप्रैल 1860 को शाम 5 बजे विल्सन ने अविभाजित भारत का पहला वित्तीय बजट पेश किया था। शाम 5 बजे इसलिए जिससे कई दिन और रात जागे अफसरों को कुछ आराम मिल सके। इस बजट की कुछ खासियतें इस तरह थीं। यह ब्रिटिश मॉडल पर आधारित भारत का पहला वित्तीय बजट था। इसमें राजनीतिक और फौजी कारणों से टूटे वित्तीय सूत्र फिर जोड़े गए थे। सैन्य वित्त आयोग की, नागरिक व्यय की कई शाखाओं की समीक्षा की गई थी। लेखा और खाते की तत्कालीन प्रणाली की भी समीक्षा हुई थी। वित्त मंत्री पद से जुड़ी जिम्मेदारियां और कार्यों की भूमिका की रूपरेखा तैयार की गई थी। विल्सन के बजट ने भारत को निश्चित रूप से एक मूल्यवान वित्तीय प्रशासन उपकरण दिया था, पर उनके आयकर अधिनियम ने व्यवसायों के साथ साथ जमींदारों और आम जनता को भी परेशान किया। विडंबना तो इस बात की रही कि पहले भारतीयों को दबाने और फिर उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए कर लगाने की ब्रिटिश हुकूमत की चाल सफल रही। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को सर आर के शनमुखम चिट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तब का बजट विभाजन और दंगों की पृष्ठभूमि पर तैयार किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट केवल 7.5 महीने का था और यह पहली बार था जब अंतरिम बजट, जिसका अर्थ अल्प अवधि के लिए बजट था, अस्तित्व में आया। इसमें कुल राजस्व का बजट अनुमान महज 171.15 करोड़ रुपए था और राजकोषीय घाटा 204.59 करोड़ रुपए था। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया था। बजट में तवज्जो 3 प्रमुख व्यय, खाद्यान्न उत्पादन, रक्षा सेवाओं और नागरिक व्यय पर थी। खाद्य उत्पादन कम था और इसलिए खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। ये पहला केंद्रीय बजट था जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों सितंबर 1948 तक एक ही मुद्रा साझा करेंगे। '49-50 और '50-51 में जॉन मथाई ने भारतीय गणराज्य का केंद्रीय बजट पेश किया। मथाई का बजट वो बजट था जिसमें सभी रियासतों और भारत को एकजुट किया गया था। इस बजट ने योजना आयोग के निर्माण का रोडमैप रखा था। योजना आयोग देश के सभी संसाधनों का आकलन करता था और इन संसाधनों के सबसे प्रभावी उपयोग की योजना बनाता था। इस दौरान देश बिहार में बाढ़, बंबई में चक्रवात और पश्चिमी तट पर आने वाले अकाल से भी जूझ रहा था। दूसरे, बजट का लक्ष्य मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना था, क्योंकि समाज के कुछ वर्गों में क्रय शक्ति बढ़ी थी। बजट का फोकस खाद्य नियंत्रण करना, उचित मूल्य पर खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाना और विदेशों से खाद्यान्न आयात को सीमित करना था। इसमें IBRD और IMF से
डॉलर ऋण लेने का प्रस्ताव विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए शामिल किया गया था। कश्मीर घाटी में सैन्य दखल के कारण रक्षा क्षेत्र में भी वृद्धि हुई थी। 1952 का बजट ऐसा पहला बजट था जो चुनी हुई संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 1957 में कृष्णमाचारी ने बजट पेश किया था, जिन्होंने सक्रिय आय यानी वेतन या व्यवसाय और निष्क्रिय आय यानी ब्याज और किराए के बीच अंतर करने की कोशिश की थी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया था। नेहरू बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। 1959-61 और 63-64 में मुरारजी देसाई ने यूनियन बजट पेश किया था, जबकि 1962 और 63 में उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था। इस समय तक बजट की प्रस्तुति फरवरी के आखिरी दिन चली गई थी, लेकिन शाम 5 बजे बजट पेश करना जारी रहा। दिलचस्प बात यह है कि मुरारजी देसाई ने 29 फरवरी 1964 और 1968 को अपने जन्मदिन पर दो बजट पेश किए थे। मुरारजी देसाई ने पहले कार्यकाल के दौरान 5 वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट और दूसरे कार्यकाल में एक अंतरिम बजट पेश किया था, जब वो भारत के वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों थे। मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी और 1970-71 में बजट भी पेश किया था, पर यह पोर्टफोलियो उनके पास अतिरिक्त प्रभार के तौर पर था। 1973-74 का बजट भारत में ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस बरस देश का राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट 550 करोड़ रुपए हो गई थी। यशवंत राव चौहान ने 28 फरवरी 1973 को यह बजट पेश किया था। ब्लैक बजट ने सामान्य बीमा कंपनियां, भारतीय कॉपर कॉर्प और कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के लिए 56 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। इसके माध्यम से बिजली, सीमेंट और स्टील जैसे उद्योगों में कोयले की बढ़ती मांग के अनुरूप निर्बाध अनुमति देना था। उसके बाद प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री बने। ये पहले राज्यसभा सदस्य थे जो वित्त मंत्री बने। इन्होंने वित्तीय वर्ष 1982-83, 83-84 और 84-85 के वार्षिक बजट को पेश किया था। 1986 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री वीपी सिंह ने बजट पेश किया था। वीपी सिंह ने यह बजट 28 फरवरी 1986 को पेश किया था। इस बजट ने लाइसेंस राज के खात्मे की शुरुआत की थी। ये प्रमुख अप्रत्यक्ष कर सुधारों की बुनियादी शुरुआत थी, जो आगे चलकर जीएसटी शासन में बदलाव की वजह बनी। 1987-89 में वीपी सिंह के सरकार से इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस दौरान बजट पेश किया था और पहली बार बजट में कॉरपोरेट टैक्स के नियम की शुरुआत की थी। उसके बाद एनडी तिवारी ने 1988-89 के लिए, एसवी चौहान ने 1989-90 के लिए और प्रोफेसर मधु तनवते ने 1990-91 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया था। 1992-93 का अंतरिम बजट मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इस बजट ने उदारीकरण के दौर को बढ़ावा दिया था। इसमें आयात निर्यात नीति को संशोधित कर आयात शुल्क को 300% से घटाकर 50% कर दिया गया था। वर्ष 1991-92 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, विदेशों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय उद्योगों को तैयार करने और भुगतान संतुलन बनाने के मकसद से की गई थी। सरकार ने सीमा शुल्क को भी 220% से घटाकर 150% कर दिया था। The reforms of 91 and subsequent reforms have laid the foundations of India emerging as one of the fastest growing economies of the world. Market development, which is very important for financing the country's economic growth and integration of the Indian economy with the global economy. 1996 में चुनाव के बाद एक गैर कांग्रेसी सरकार यानी नेशनल फ्रंट ने कार्यभार संभाला था। इसमें 1996-97 का वित्तीय बजट पी चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो तब तमिल मनीला कांग्रेस में थे। इसे ड्रीम बजट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भारत में आर्थिक सुधारों के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आयकर दरों को कम करना, कॉरपोरेट करों पर से अधिभार को हटाना और कॉरपोरेट कर दरों को कम करना शामिल था। ड्रीम बजट के सबसे दीर्घकालिक प्रभावों में से एक आयकर संग्रह पर रहा।
जो 1997 में 18,700 करोड़ रुपए से बढ़कर 2013 में 2 लाख करोड़ से अधिक हो गया। फिलहाल मार्च 1998 में आम चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई। इस सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 1998-99 के लिए अंतरिम और अंतिम बजट पेश किया था। 1999 में आम चुनाव के बाद सिन्हा फिर वित्त मंत्री बने और 1999-2000 से 2002 और 3 तक 4 वार्षिक बजट पेश किए। उन्होंने 29 फरवरी सन 2000 को भारत को एक प्रमुख सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हब के रूप में बढ़ावा देने के इरादे से ये बजट पेश किया था। सॉफ्टवेयर निर्यात की शुरुआत से भारतीय आईटी उद्योग में असाधारण वृद्धि हुई। मई 2004 में चुनाव के कारण जसवंत सिंह द्वारा एक अंतरिम बजट भी पेश किया गया था। इसमें बजट प्रस्तुति का समय शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया गया। इसके बाद 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकारों का कार्यकाल रहा। I rise to present the budget for 2009-10. इस दौरान प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम ने केंद्रीय बजट पेश किया था। इस दौर में आए बजटों की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार थी। इसमें सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का अनुमान 8.6% की दर से बढ़ा था। अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय लचीलापन आया था, लेकिन निरंतर उच्च खाद्य कीमतें यानी फूड इन्फ्लेशन एक प्रमुख चिंता का विषय रही। खाद्य पदार्थों की बेहतर उपलब्धता के बावजूद कीमतों में मौसमी गिरावट से उपभोक्ताओं को लाभ नहीं पहुंचा था। वित्त वर्ष सन 2010-11 के बजट में कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जैविक उर्वरकों और टिकाऊ खेती के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था। निर्यात में 29.4% की वृद्धि हुई थी, जबकि आयात में 17.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। कृषि ऋण का लक्ष्य 2012-13 में 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5,75,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। किसानों को ऋण मुक्त करने के लिए कोई टिकाऊ पहल नहीं की गई थी। गरीबों के लिए देश भर में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना शुरू करने का वादा किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित किया गया था। सन 2014-15 का केंद्रीय बजट तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 10 जुलाई 2014 को सुबह 11:11 पर पेश किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का यह पहला बजट था जिसमें फोकस मैक्रो इकॉनमी, निवेश के अवसर बढ़ाना, आधारभूत ढांचे के विकास में तेजी, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और कृषि सेक्टर को प्रोत्साहन और मध्यम वर्ग के विकास पर था। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक 2014 और उसके बाद एनडीए द्वारा पेश किए गए बजटों के पीछे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस प्रदत्त अंत्योदय की विचारधारा थी। मैडम स्पीकर, ऑन दिस ऑस्पिशियस डे ऑफ वसंत पंचमी आई राइज टू प्रेजेंट अ बजट फॉर 2017-18। वित्त मंत्री ने 2017 में दो महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की। पहला, रेल बजट को केंद्रीय बजट में विलय करना और दूसरा, फरवरी के अंतिम दिन से फरवरी के पहले दिन तक बजट प्रस्तुति को आगे बढ़ाना। इस तरह वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 का बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया। द बजट 2017-18 कंटेन्स 3 मेजर रिफॉर्म्स। First, the presentation of the budget has been advanced to the 1st of February to enable the Parliament to avoid a vote on account and pass a single appropriation bill for 17-18 before the close of the current financial year. Second, the merger of the railway budget with the general budget is a historic step. Third, we have done away with the plan and the non-plan classification of expenditure. साथ ही आपको बता दें कि देश का रेल बजट 2017 से पहले हमेशा अलग पेश किया जाता रहा है। ये सिलसिला विलय से पहले 92 बरस तक चला। फिलहाल 2014 से 2019 के बीच आए बजटों का निचोड़ ये रहा कि देश के बृहद आर्थिक यानी मैक्रो इकोनॉमिक हालात में काफी सुधार हुआ। इस 5 बरस की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि लगभग 7.5% के आसपास रही। सरकार का खास फोकस महंगाई दर पर नियंत्रण पर था, विशेषकर खाद्य मुद्रास्फीति यानी फूड इन्फ्लेशन पर, और ये 4% के दायरे के आसपास ही रही।
पिछले 5 वर्षों में राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट भी 5.3% के आंकड़े से गिरकर 3.7% हो गई। किसानों की आय दोगुनी करने का इरादा करने वाली मौजूदा एनडीए सरकार द्वारा पेश 2016-17 के बजट में खाद्य सुरक्षा पर खास ध्यान रहा। स्वतंत्र भारत के पहले बजट से अब तक खाद्य सुरक्षा को लेकर चुनौतियां और मुद्दे भी बहुत अधिक रहे हैं। इसी दौरान एनडीए सरकार ने ऐसी तमाम योजनाओं को बजट के माध्यम से वित्तीय समर्थन दिया जिनसे दूरगामी आर्थिक सामाजिक परिणाम की उम्मीद की जा रही है। इनमें जनधन योजना, स्किल इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, अटल पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, ग्राम्योदय, भारत उदय और सेतु भारती योजना, अमृत योजना और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शामिल हैं। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना उन कमजोर किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए देने के लिए जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है। इसका ऐलान वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में हुआ था जिसके तहत 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका लक्ष्य करीब 12 करोड़ किसानों को लाभ देने का रहा। पीएम किसान इस योजना के तहत जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन को उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। आई निर्मला सीतारामन डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिलहाल 31 मई 2019 को निर्मला सीतारमन ने देश के इतिहास में पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के तौर पर शपथ ली। Discharge my duties as a minister for the union and that I will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के टेन्योर के साथ ही एक नए दौर का आगाज हुआ है। बतौर 15वीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स से जुड़े तमाम मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान किया है। वे जो बही खाता से बाहर था उसे बजट में लाया गया है और टैक्स रिफंड अब एक सुनिश्चित अवधि में करदाताओं के बैंक अकाउंट्स में आ जाता है। साथ ही बजट बनाने की प्रक्रिया में जन भागीदारी भी बढ़ी है। मोदी सरकार ने टैक्स असेसमेंट को डीपर्सनलाइज करने की प्रक्रिया को भी डिजिटल और पारदर्शी बनाया है। रेगुलर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो लंबे समय से उत्पीड़न और भ्रष्टाचार का स्रोत रहा है आज कहीं अधिक सुगम हो चुका है। ई चालान लागू करके जीएसटी रिकॉर्ड को आधार से जोड़कर और उन्हें आयकर फाइलिंग के साथ क्रॉस चेक करके नकली चालान और कर चोरी की समस्याओं को काफी हद तक निपटा दिया गया है। हालांकि ये काम प्रगति पर है। एक्सटर्नल इकोनॉमी की बात करें या विदेशी मुद्रा भंडार की, भारत एक मजबूत स्थिति में है। एक महामारी के बीच कर प्रशासन, राजस्व और व्यापक आर्थिक स्थिति पर ये एक पेचीदा लेकिन उत्साहजनक तस्वीर है जो सरकार में उम्मीद बनाए रखती है। तो चलिए बजट से जुड़े कुछ रोचक तथ्य आपसे साझा करते हैं। 1947 और 2019 के बीच में भारत में 27 वित्त मंत्री हुए हैं। इंदिरा गांधी एकमात्र महिला वित्त मंत्री थी जो बजट पेश करते समय प्रधानमंत्री भी थी। मिलेनियम बजट 2000 और 2001 ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तकनीकी हब में बदल दिया। 1860 में पहले बजट से लेकर आज तक की प्रस्तुतियों में लाल ब्रीफकेस का उपयोग किया गया है। मोरारजी देसाई द्वारा अधिकतम 10 बजट प्रस्तुत किए गए हैं। 8 बजट पेश करके पी चिदम्बरम दूसरे स्थान पर हैं। केंद्रीय बजट 2018 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद पहला बजट है। 4 वित्त मंत्री प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह और मनमोहन सिंह। 2 वित्त मंत्री राष्ट्रपति बने, आर वी कटरमन और प्रणब मुखर्जी।
हेमवती नंदन बहुगुणा एकमात्र वित्त मंत्री थे जो कोई बजट पेश नहीं कर सके। आपको वित्तीय वर्ष से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों से भी रूबरू कराते हैं। मसलन, भारत में संघ और राज्य सरकारों के लिए वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक होता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष इसलिए दो कैलेंडर वर्षों में फैला हुआ है। वित्तीय वर्ष की अवधि अप्रैल से मार्च तक भारत में 1867 में शुरू की गई थी। उससे पहले भारत में वित्तीय वर्ष 1 मई को शुरू होता था और 30 अप्रैल को समाप्त होता था। विपदाएं आती है, आए, हम न रुकेंगे। आघातों की क्या चिंता है, हम न झुकेंगे। ऐसा नहीं कि बजट सेशन सिर्फ तथ्यों या आंकड़ों का मामला है, माहौल कभी कभार शेरो शायरी का भी होता है। कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौर मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको कि इन हालात में आता है दरिया करना पार हमें। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चराग जलता है। हमने अपने शोध के दौरान एक और बात जानी और वो ये कि देश का वित्त मंत्री कोई भी हो, उसके सामने तीन सबसे बुनियादी चुनौतियां रहती हैं, खाद्य सुरक्षा की, अनियंत्रित महंगाई की और विदेशी मुद्रा आगमन और संचयन की। चलते चलते एक तथ्य और, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें तो पाएंगे कि 1950 से लेकर 1955 के बीच देश ने काफी प्रगति की थी। जानकारों के मुताबिक इस नाते 1956 का बजट काफी अहम हो गया था। इस दौर में अर्थव्यवस्था को मुक्त व्यापार और वैश्विक व्यवस्था से जोड़ने के लाभ हमें मिल सकते थे, पर तत्कालीन वित्त मंत्री सीडी देशमुख ने दूसरा रास्ता चुना जो 1970 तक किसी न किसी रूप में मौजूद रहा। ऐसे तमाम किस्से हैं जो फिर कभी। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार का लक्ष्य सुधारों के माध्यम से विकास पर है। स्वयं प्रधानमंत्री का नारा है, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। ये नारा 2014 के बाद आए सभी यूनियन बजटों में परिलक्षित हुआ है। फिलहाल ये तो रही बजट और उससे जुड़े किरदारों की वानगी, कुछ लेखा जोखा और किस्से कहानी। 1860 में शुरू हुआ ये सफर बदस्तूर जारी है। तो सारी टीम की तरफ से अब हमें दीजिए इजाजत, और हाँ, हम मानते हैं कि आधा घंटा इतने बड़े विषय के लिए बिल्कुल नाकाफी है, कुछ त्रुटियां भी रही होंगी, उन्हें जरूर इंगित करिएगा। संसद टीवी का प्रयास हमेशा बेहतर करने पर है। तो आपको छोड़े जाते हैं मशहूर शायर स्वर्गीय निदा फाजली के उस शेर के साथ जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2016 के बजट सेशन में राज्यसभा में कहा था। इशारा था एक नए सफर का, उस नई रोशनी का जिसका आगाज 2014 में हुआ। सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो,
यही है जिंदगी, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौने से तुम भी बहल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो।